इस वीडियो में हम डेटा मेन्यू के फोरकास्ट शीट ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको दो कॉलम मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे एक डेट का है और दूसरा कॉलम सेल्स का है। तो यहाँ 1 जुलाई से लेकर के और 14 जुलाई तक की डेट्स हैं और उनके पैरेलल उनकी सेल्स डली हुई है। अब सपोज़ कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि 14 जुलाई 2018 तक का जो सेल्स डेटा है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे 14 तारीख के बाद में 18 तारीख, 20 तारीख या 25 तारीख के जो भी डेट आप लेना चाहते हैं, उसमें आपकी सेल्स किस तरीके की रहेगी, उसको अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हैं यानी कि अनुमान लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्शन के बाद में फिर फोरकास्ट शीट पर जा कर के और क्लिक करें। देखिए, जैसे आप फोरकास्ट शीट पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट आ रहा है और इस चार्ट में जो ब्लू कलर है वो सेल्स को डिनोट कर रहा है और जो आपकी दूसरे कलर की शेड आ रही है इसमें फोरकास्ट सेल्स है। अगर इसी प्रकार का अगर आपका सेल का डेटा चलता है तो आपका जो ग्राफ है आने वाली डेट से यानी कि 18 जुलाई तक 15 to 18 आपका ग्राफ ऐसा रहने वाला है, और यदि अगर आपकी सेल्स अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपका ग्राफ ऐसे रहने वाला है, और यदि अगर आपकी सेल्स जो है इन डेटा से नीचे जाती है तो आपका डेटा ग्राफ इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ पर 18 जुलाई तक का डेटा फोरकास्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप 20, 21, 22 तारीख का भी डेटा फोरकास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करें और यहाँ पर डेट ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 25 जुलाई तक की डेट ले रहा हूँ। अब देखिए, ये जो ग्राफ है मेरा वो 25 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है। इसमें ऑप्शंस में जाकर के अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ ब्रेकअप रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप सेट मैन्युअली पे जाएं और यहाँ पर 2 या 3 डेटा ले लें, तो इस तरीके से ये बीच में आपको जो फ्लक्चुएशंस होंगे डेटा के वो भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। और यदि अगर आपने लाइन ग्राफ की जगह अगर बार ग्राफ चाहिए तो देखिए, यहाँ पर राइट एंड टॉप बॉटम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बार चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है कॉलम चार्ट का। आप इस पर क्लिक करें तो ये चार्ट कॉलम में भी चेंज हो जाएगा, तो आप लाइन चार्ट भी ले सकते हैं और कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।